हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पुराने टाइम में अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री करी जाती थी। अलग अलग यूनिट्स होते थे, अलग अलग अंदाजे लगाए जाते थे। जैसे इंडिया में हम पुराने टाइम में अपने हैंड्स को यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों के हाथ बड़े होते थे और कुछ लोगों के हाथ छोटे। ये तो एक प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पिरामिड्स बनाने में जो ज्योमेट्री यूज हुई वो अलग थी और ताजमहल बनाने में जो ज्योमेट्री यूज हुई वो अलग थी। सो फ्रेंड्स, डिफरेंट सोसाइटीज ज्योमेट्री पे काम तो कर रही थी, पर इसके कुछ कॉमन रूल्स एस्टैब्लिश किसी ने भी नहीं किए थे। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन जिन्होंने इन कॉमन रूल्स को एस्टैब्लिश किया, उनका नाम था यूक्लिड। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम यूक्लिड के ही बनाए कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिन्हें हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिता। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, जिसमें हम यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का मीनिंग स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट होगा इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, जिसमें हम यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट के कुछ वर्जन स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट होगा समरी, जिसमें मैं आपको कुछ मेजर बातें बताऊंगी और हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।